बिटसेट 2024 का सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ पे काफी जल्द जो है स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि होती है आपकी स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए जो है बेस्ट स्लॉट यहाँ पे कौन सा हो सकता है, तो यही चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम कई सारी चीजों पर बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे स्लॉट अपना बुक किया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि शायद सीधा यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट देंगे, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको भी एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या कुछ गलती हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, क्या सेकंड अटेम्प्ट में वो बेटर स्लॉट बुक कर सकते हैं। हर एक चीज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें हम डिस्कस करें कि मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट एनालिसिस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके बिटसेट के स्कोर पर। यहाँ पे 60 से 70 नंबर का आप बूस्ट दे सकते हो अभी भी अगर आपने प्रॉपरली जो है मॉक टेस्ट को यहाँ पे एनालाइज कर लिया। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक छोटा सा जो है हम टारगेट लाइक्स लेते हुए चल रहे 300 प्लस का, इससे हमें समझ में आएगा कि आपको सही में इस वीडियो की जो है जरूरत है या फिर नहीं। और देखिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जो भी आपके पास टाइम रह गया है इस टाइम के अंदर आपको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करना चाहिए और थोड़ी बहुत जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस कर सकते हैं। एल आर एंड इंग्लिश जो कि आपका स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है तो उस पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को समझते हुए हमने अभी रिसेंटली आपके लिए फाइनल सेवियर कोर्स और रैपिड रिविजन बैच को लॉन्च किया था, तो आप इन दोनों को जरूर से चेक कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और बाकी अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि क्रैश कोर्स में ही उन्हें सभी चीजें मिल जा रही है और वो जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो लास्ट में यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे क्रैश कोर्स को भी जो है चेक कर सकते हैं। सभी को जो है काफी ज्यादा यहाँ पे नॉमिनल प्राइसेस पे लास्ट में आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा आप अगर सीधा सिर्फ एल आर एंड इंग्लिश पे ही फोकस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रैंकर्स बैच अवेलेबल है, या फिर जो है सेट ऑफ 20 सेट ऑफ 10 मॉक टेस्ट देना चाहते तो वो चीजें भी जो है आपको हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और बाकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी जो है बुकिंग डेट्स यहाँ पे क्या रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 18 से जो है आपके यहाँ पे स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी 12 बजे से और वो जो है जून 19 तक चलेगी, यानी कि शाम 5 बजे तक जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा स्लॉट बुकिंग का, आपको ट्राई करना है कि इसके अंदर ही जो है आप अपना स्लॉट यहाँ पे बुक कर लो। अब मान लो अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे टेस्ट स्लॉट को बुक नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई कौन सी डेट और स्लॉट यहाँ पे खाली है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पर जब आपके हाथ में ही है कि आप अपना खुद का स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हो तो फिर आपको डेफिनेटली इस चीज का यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि बिटसेट का जो आपका सेशन 2 है वो कब से कब तक यहाँ पे होने वाला है, तो सेशन 2 जो है आपका यहाँ पे 24 जून से लेकर 28 जून तक का होने वाला है और हर दिन जो है आपके यहाँ पे दो स्लॉट देखने को मिलेंगे। एक आपका 9 से 12 स्लॉट रहेगा और एक जो है आपका यहाँ पे 2 से 5 स्लॉट रहेगा। अब हो सकता है कि जब आप यहाँ पे स्लॉट बुकिंग कर रहे हो तो शायद आपको कोई डेट यहाँ पे दिखे ही नहीं, ठीक है। आपको जैसे ही मान लीजिए आपने 12 बजे ही एग्जैक्ट अपना स्टार्ट कर दिया था लेकिन पता चला कि यहाँ पे जो है आपको 25th या फिर 26th डेट दिखी नहीं रही, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है सेंटर की अवेलेबिलिटी, मतलब कि ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे नहीं बैठ रहे हो तो उन्होंने स्लॉट्स वहां पे थोड़े कम कर दिए हो, तो ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। तो घबराइएगा मत, जो भी स्लॉट आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से आप वहां पे बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जो है क्राइटेरिया की बात करें कि स्लॉट बुकिंग का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जितना जल्दी आप अपना स्लॉट बुक करेंगे उतना बेटर है क्योंकि लगातार स्लॉट्स यहाँ पे भरते जाएंगे और अब तो भाई टाइम स्पैन भी यहाँ पे कम कर दिया है तो स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन भी रहेगी और वो ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द जो है अपना स्लॉट बुक करें। और स्टार्ट टाइम की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो 12 बजे से जो है आपकी यहाँ पे स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ट्राई करिएगा कि अपने सिस्टम को यहाँ पे रेडी रखें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दे। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर आ जाते हैं, कभी सर्वर की दिक्कत आ जाती है क्योंकि भाई ट्रैफिक बढ़ता है, तो मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आपको इश्यू आता है तो थोड़े टाइम बाद ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो स्लॉट आपका चला ही जाएगा, है ना। थोड़ा सा जो है इस चीजों का ध्यान रखिएगा और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, है ना। जैसे ही आपको मौका मिलता है आप अपने स्लॉट को यहाँ पे जो है बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक जो सवाल स्टूडेंट्स को खाया जाता है वो ये रहता है कि क्या अर्लियर स्लॉट्स में जो है इजी पेपर देखने को मिलता है, क्या ऐसा कुछ है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये एक मिथ है सिंपली, है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके मैं कुछ सपोर्टिंग रीजंस भी आपको देना चाहूंगा ताकि आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर आप ब्रोशर उठा के देखो
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है कि क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज क्वेश्चन बैंक, मतलब जो एक क्वेश्चन बैंक उनके पास रहता है उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। तो भाई वो तो किसी भी स्लॉट के अंदर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डल सकता है, और ये चीज भी इंश्योर की जाती है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन सेट जाए, और एक एक्सपर्ट कमिटी ये चीज इंश्योर करती है कि क्वेश्चन सेट यहाँ पे सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर दे दिया उसको जो है इजी दे दिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती नहीं है। तो इसलिए जो है आप उस चीज का यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा, किसी को भी जो है कैसा भी यहाँ पे सेट देखने को मिल सकता है। और जो भी रिस्पॉन्सेस हमें यहाँ पे मिले थे ना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, आपको याद होगा एक गूगल फॉर्म हमने सर्कुलेट किया था, तो उन रिस्पॉन्सेस से ये समझ में आया कि ऐसा कोई फिक्स पैटर्न हमें नहीं देखने को मिला कि 300 प्लस में इसी स्लॉट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले। हर इसमें जो है लगभग यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कि सभी शिफ्ट्स के अंदर जो है पेपर आपका यहाँ पे सिमिलर लेवल पे पूछा गया था, और जिन स्टूडेंट्स को अच्छा करना था उन्होंने जरूर से अच्छा किया। बस यही होता है कि हमें गलतियों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, कई बार हम मॉक टेस्ट नहीं देते, कई बार जो है हम बोनस क्वेश्चन की लालच के अंदर जो है अपना पेपर खराब कर देते, तो हर एक फैक्टर के यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो है पेपर हम यहाँ पे अच्छा कर सकते। अब यहाँ पे फिर सवाल यही आ जाता है कि फिर बेस्ट स्लॉट कौन सा होगा। अब ये चीज तो यार दिमाग से हट गई कि भाई अर्लीस्ट स्लॉट यानी कि इजी पेपर, अब वो नहीं अगर है तो फिर हम सही स्लॉट कैसे चूज करें। तो कुछ चीजें मैं जो है आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी पड़ जाए ये चीज कि आपके लिए बेस्ट स्लॉट यहाँ पे कौन सा हो सकता है। सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे जो है बात करें तो ये आता है कि मान लीजिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से कर चुके हो और आप जो है एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट हो, तो फालतू में यहाँ पे प्रोसेस को डिले करने का कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो है कोई भी एक अर्ली स्लॉट को यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, आइदर 24 या फिर 25, क्योंकि देखिए अब जो चीजें पढ़नी थी वो आप पढ़ चुके हो, और ज्यादा खींचोगे दिमाग में फिर से स्ट्रेस बढ़ेगा, ये सब चीजें रहेगी। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते अपने फ्रेंड्स को जाके कॉल लगा रहे, भाई तेरा तो जल्दी हो गया स्लॉट, थोड़ा सा बता कि पेपर कैसा आया था। उसने मान लो बोल दिया कि नहीं भाई पेपर बहुत ही टफ पूछा गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले तो एकदम ही टफ पूछा गया, आप वहीं के वहीं डर जाओगे, पता चला पेपर से पहले ही आधी तो हालत आपकी वहीं पे पस्त हो गई। तो ऐसी सिचुएशन से बचना है तो भाई फ्रेंड से कॉन्टेक्ट ही नहीं करना, तो इससे अच्छा पहले ही पेपर देके आ जाओ ना। जैसा भी होगा डेफिनेटली अगर अच्छा करोगे, अगर आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए होंगे और आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे होगी, है ना, तो इस चीज पे ही फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे, और किसी की भी बात पे जो है हमें यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे सुनना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, प्रेफरेंस ऑर्डर का फॉर्म भी ऑलरेडी यहाँ पे रिलीज हो चुका है, और उसकी अगर हम जो है लास्ट डेट की बात करें तो वो जो है जुलाई 2 तक यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो देखो अगर आप यहाँ पे लास्ट के स्लॉट बुक करते हो ना, तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए हो सकती है, प्रेफरेंस ऑर्डर भरने में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर एक बड़ी चीज होती है। हमें एक अपने लिए सही ब्रांच को अगर चुनना है तो थोड़ा लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो इसके लिए अगर आप एक अच्छा टाइम पीरियड चाहते हो तो जितना जल्दी जो है स्लॉट बुक करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा कि एग्जाम पहले ही देके आ गए और फिर इसके लिए जो है इनफ टाइम आपने दिया। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने लास्ट स्लॉट बुक किया उनको जो है कम टाइम मिलेगा, एक ठीक ठाक टाइम उन्हें भी मिलेगा, पर आपको शायद थोड़ा और बेटर हो सकता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप जो है अर्ली स्लॉट के साथ यहाँ पे जा सकते हो, और साथ ही साथ फिर 12 के मार्क्स और ये सब चीजें जो है भरनी रहती है। और यहाँ पे अगर आप जो है थोड़ा सा चाहते हैं कि हम रिवाइज कर ले चीजों को, अभी थोड़ा सा हमें 3-4 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए तो शायद हमारी कंडीशन और ज्यादा बेटर हो जाए। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि भाई और ज्यादा मॉक टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, तो फिर आप जो है लास्ट स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि वही 3-4 दिन का थोड़ा सा फर्क हो जाएगा और थोड़ा सा बेनिफिट शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मिल जाए, तो आप वो चीज देख सकते हो। वैसे तो यार देखिए जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया क्वेश्चन सेट यहाँ पे डिफरेंट ही रहता है, पर हो सकता है जैसे कि LR के क्वेश्चंस हमने देखे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कि थोड़े अलग टाइप के यहाँ पे पूछे गए थे, तो वो सिमिलर जो है दूसरी शिफ्ट्स के अंदर भी वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, तो शायद ऐसे कुछ आपको आइडिया लग जाए, है ना, तो ये चीज बस रहती है। बाकी आपका जो है क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपकी शिफ्ट में भी वही पूछा जाएगा, है ना, तो ये चीज जो है नहीं होती है। अब हम यहाँ पे बात करें कि मॉर्निंग स्लॉट हमें चूज करना चाहिए या फिर इवनिंग स्लॉट, तो यहाँ पे कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा कि आपने जो है अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दिए होंगे तो अब तक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मॉर्निंग स्लॉट आपके लिए ज्यादा बेटर है या फिर इवनिंग स्लॉट, है ना, तो ये चीज जो है आपको मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही समझ में आ जाती है। और अभी भी टाइम है तो आप ट्राई कर सकते हो कि एक हमने मॉर्निंग के टाइम पे दे दिया, अगले दिन जो है एक इवनिंग के टाइम पे दे दिया, क्या हमारे लिए चीजें यहाँ पे बेटर रह रही है। और साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा हुआ था कि लेट से आपने मॉर्निंग स्लॉट यहाँ पे बुक किया था और उस टाइम पे आप थोड़ा सा ऐसे ड्राउजी सा फील कर रहे थे, या फिर मान लो कुछ आपको ऐसी चीज लगी थी कि भाई मुझे जो है यहाँ पे आफ्टरनून स्लॉट मेरे लिए बेटर रहता, अगर ऐसा कुछ दिमाग में आया था तो इस बार आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि देखिए
कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर से यहाँ पे पड़ता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट यहाँ पे चीजें डिफर करती है, तो स्लॉट को जो है आप उस हिसाब से यहाँ पे अपने लिए चूज कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट के बेसिस पे थोड़ा सा ये जज कर सकते हो कि कौन से स्लॉट में आप ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अभी जो भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें एक एक मॉक टेस्ट जरूर से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, एक मॉर्निंग में दे दिया, एक आफ्टरनून वाले स्लॉट में दे दिया। और क्या आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चाहिए है ना फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, हो सकता है कि भाई आफ्टरनून स्लॉट वालों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल रहा है, तो सुबह उठ के बस प्रॉपर तरीके से फॉर्मूलेस को रिवाइज किया और फिर आराम से टेस्ट सेंटर गए, तो ऐसा कुछ है, तो ये चीज भी जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो सारे फैक्टर्स को हमें अच्छे तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने लिए एक अच्छा स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा कि कौन सा स्लॉट जो है आप यहाँ पे बुक करने की सोच रहे हो, है ना। बाकी देखते हैं कि कौन कौन से स्लॉट्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो बस अब जो है प्रॉपर तरीके से अपने सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करिए। जैसे ही इससे रिलेटेड और अगर कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट होता है तो हम जल्द से जल्द जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियो पब्लिश करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।